हलवई उदयपुर कैटर्स विकास समिति द्वारा फूड एक्सपो का प्रोग्राम शहर के बीच में फतेह स्कूल ग्राउंड पर रखा गया है। इस प्रोग्राम में 7 देशों एवं 12 राज्यों के लाइव फूड लगाया जाएगा। उसमें राजस्थान वासियों एवं उदयपुर शहर वासियों के लिए इस प्रोग्राम में फ्री एंट्री रखी गई है, जिससे सभी अतिथिगण के लिए लाइव स्टॉलों पे हलवाई एसोसिएशन द्वारा फूड का 50% ऑफ में सभी शहरवासी अन्य देशों के एवं अन्य राज्यों के व्यंजनों का चटकारा ले पाएंगे। इस फूड एक्सपो में उद्घाटन करने मशहूर शेफ संजीव कपूर जी पधार रहे हैं और उसका उद्घाटन लाइव करेंगे। हमारे पधारे हुए शहरवासी एवं राजस्थान से जिनमें महिला शक्ति को इस प्रोग्राम से अनेक व्यंजनों का लाइव बनाने देखने को लिए मिलेगा। हमारे सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों के लिए यहाँ होटल एसोसिएशन से हमें पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है। इस प्रोग्राम को फतेह स्कूल में टेंट एसोसिएशन द्वारा भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिस अकॉर्डिंग इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो उदयपुर हलवाई कैटर्स विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति हर स्टेट में या हर देश में जाके उनके प्रसिद्ध व्यंजनों को नहीं चख सकते, इसलिए ये एक हमने लाइव प्रक्रिया हमारे फूड एक्सपो के द्वारा उदयपुर वासियों को, मेवाड़ वासियों को एवं राजस्थान वासियों को ये मौका दिया गया है। सभी से विनम्र आग्रह है कि वो इस प्रोग्राम में पधारें। इस प्रोग्राम में मंचासीन संजीव कपूर जी के अलावा हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेताओं एवं शहर के आला अधिकारियों का की भी शिरकत है, जो इस प्रोग्राम में पधार कर हमें इस प्रोग्राम से अनुकरित कराएंगे। इस प्रोग्राम से हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे हलवाई बंधुओं द्वारा इस प्रकार का जो प्रोग्राम हम इस उदयपुर शहर में, इस जिलों की नगरी में, इस मेवाड़ धरा पर हम पहली बार इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं, इसलिए मेवाड़ वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए, हमारे उदयपुर शहर वासियों के लिए ये एक मिसाल कायम हो, ये एक संदेश पहुँचे कि हलवाई एसोसिएशन द्वारा इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, वो भी इस उदयपुर शहर में पहली बार। उदयपुर शहर में शाही शादियों का खजाना रहा है। ऐसे व्यापारी जो एक गणमान्य हैं, जिनका नाम जैसे अंबानी जी जैसों की शादियाँ इस उदयपुर शहर में हुई है। हर अमीर अपनी शादी के लिए ऐसे स्थान को नियुक्त करते हैं, उस स्थान में ये फूड एक्सपो लगाया जा रहा है। उदयपुर हलवाई एसोसिएशन द्वारा फूड एक्सपो का कार्यक्रम शहर के मध्य फतेह स्कूल में रखा गया है, जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर 12 बजे मशहूर शेफ संजीव कपूर द्वारा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में 7 कंट्रीज एवं 12 स्टेट के लाइव फूड लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए शहरवासियों के लिए फ्री जो एंट्री रखी गई है, उस एंट्री से शहरवासी अंदर आएंगे और उस फूड एक्सपो में जो होने वाले लाइव व्यंजन है उनके चटकारे लगाएंगे। मैं हरीश भट्ट, संभागीय अध्यक्ष हलवाई कैटर्स विकास समिति उदयपुर। हमारा फूड एक्सपो 2018 उदयपुर फतेह स्कूल में लग रहा है, जिसका लाइव आप सभी देख ही रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा
कि हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस प्रोग्राम में दो डॉम लगा रखे हैं जो भी रेडी पोजीशन पे हैं। हमारा जो भी ये मेरा ये इशारा है इस तरफ स्टेज बन रहा है, जिस स्टेज पे दो तरह की शैली होगी। एक तरफ उद्घाटनकर्ता मशहूर शेफ संजीव कपूर जी पधार रहे हैं, उनका किचन बनेगा। बीच में मुख्य अतिथि वगैरह विराजमान रहेंगे। पास ही में अतिथि दीर्घा बनेगी जिसके लिए पंडाल का काम चल रहा है और ये रात तक संपन्न हो जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत हमारे करीब करीब 100 स्टॉलों के करीब इस एक्सपो में लगाई जा रही है, जिसके लिए कुछ एक स्टॉलों वाले पधार भी चुके हैं। इस एक्सपो में प्रथम प्रायोरिटी जो है वो हमारे स्टॉलों की है, जैसे कोकरी मशीनरीज इत्यादि की स्टॉलें लगेगी जिनकी संख्या करीब 100 के करीब हैं। स्टॉलें लगभग तैयार होने को आई है जो आपके सामने रेडी पोजीशन में है। स्टॉलों वाले भी लगभग अपनी अपनी दुकान आरक्षित कर ली है। जिनको जो भी एक्यूपेंसी देनी है वो समिति को अपनी कमेटी कोर के हिसाब से दे दी गई है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इस प्रोग्राम में टेंट एसोसिएशन से हमारे सजावट टेंट को किया गया है, जिनका काम बहुत ही बेहतरीन है। आप देख रहे हैं सर, बिल्कुल डोम जो लगा हुआ है बिल्कुल वाइट वॉश लग रहा है, एवं हमारे जो स्टॉलें हैं बिल्कुल कंप्लीट मोड पे हैं। स्टॉल में जो फेमस स्टॉल जो लगने वाली है वो आप देख रहे हैं, वन लिंक से जिनका सेटअप यहाँ जम चुका है और रात तक बिल्कुल ये सेटअप एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। ये हमारे हलवाई बंधुओं के लिए गौरव की बात है कि हमारे इस फूड एक्सपो में वन लिंक ने पार्टिसिपेट किया है, जिनका कार्य हमारे कैटरिंग में लगने वाले सेटअप से है। ये वन लिंक सेटअप बहुत फेमस सेटअप है, जो हमारे खाना बनाने के बाद जो परोसने की व्यवस्था में इनका काम में लिया जाता है। अब हम डोम का निरीक्षण होने के बाद सीधा अब हम मंच की ओर जाएंगे। जो मंच दो बार सजाया जाएगा, प्रथम व्यवस्था हमारे उद्घाटन में जिस मंच को काम में लिया जाएगा उस मंच की ओर, दूसरा उसी मंच को रात को हमारे कल्चरल नाइट रखी गई है, उसमें इस मंच का दोबारा उपयोग किया जाएगा। करीब 7 से 8 हज़ार पब्लिक आने की संभावना है। राजस्थान की फेमस नर्तिका गोकुल शर्मा, राखी रंगीली एवं गोकुल शर्मा अपनी प्रस्तुति देने राजस्थान के मशहूर शहर जिलों की नगरी मेवाड़ धरा उदयपुर में फतेह स्कूल में पधार रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए मैं उदयपुर शहर वासियों से, राजस्थान वासियों से एवं हमारे मेवाड़ वासियों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठावें और हमें उत्साहित करें। सभी से निवेदन है कि उद्घाटन समारोह एवं कल्चरल नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस प्रोग्राम को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम की आगे तैयारी के बारे में जानकारी देने के लिए एसोसिएशन के संगठन मंत्री श्री देवी सिंह जी सिसोदिया से आपकी सीधी बात कराना चाहूँगा। देवी सिंह जी सिसोदिया, बताएं आप कि इस प्रोग्राम में तैयारी किस तरह चल रही है और कहां तक पहुंच गई है। देवी सिंह जी सिसोदिया,
नमस्कार, मैं देवी सिंह सिसोदिया। हमें आज बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है कि हमारे 6 महीने दौड़ने के बाद आज ये मेहनत रंग लाई, जो हमें बहुत ही खुशी है कि टेंट की व्यवस्था हो चुकी है करीब करीब 90% और भोजन व्यवस्था उधर चालू हो गई है। इधर काउंटर वाले भी पधार चुके हैं, हमारे जो इधर अंदर जो स्टॉले लगाने वाले हैं वो भी पधार रहे हैं और लगभग पधार चुके हैं और नाइट को और आ जाएंगे। और हमें बहुत ही खुशी है कि आज हमें हर्ष हो रहा है कि उदयपुर में पहली बार हमारे अलवे एसोसिएशन एकजुट होकर इस प्रोग्राम को करने के लिए एकत्र होकर सभी 200-250 अलवई आज की तारीख में यहीं मौजूद होते हुए, मतलब सभी ने ये एक एक अपनी अपनी कार्य संभाल के इस काम को इस स्तर पर लाए हैं। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि उदयपुर शहर से जो भी हमारे जिलों की नगरी के जितने भी शाम को और कल दिन में पधार के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग करें और कल्चर नाइट शाम को और फूड का लाइव आनंद लेवे। धन्यवाद। अगली आवाज़ दोस्तों, मैं हमारे उदयपुर कैटर्स विकास समिति के, मैं अपने एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महोदय से आपसे बात करना चाहूँगा कि भी इस तैयारी के बारे में आपको बताएंगे। बाबूलाल जी सुतार साहब। मैं बाबूलाल सुतार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि 6 महीने हमको दौड़ते दौड़ते हो गए, आज हमारा काम हो रहा है और पूरी तैयारी के साथ हरीश भट्ट ने संसद आपको बता दिया है। ये व्यवस्था जो भी है, हरीश जी भट्ट, बाबूलाल, ये भगवती, नंदू, सब हम लगे हुए हैं। राजकुमार जी भी यहीं कहीं होंगे, ठीक है। आप उदयपुर की जनता से अधिक पधारने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।